वेलकम टू फिजा फूड डायरीज। आज हम चावल के पापड़ बना रहे हैं। चावल के पापड़ बनाने के लिए मैंने आधा कप चावलों को भिगो दिया था। 3 से 4 घंटे इन चावलों को भिगोया है। अब मैं इन्हें पीस लूंगी। मैं इन्हें सिल्वर पीस रही हूँ। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। हमारा चावल पीस चुके हैं। मैंने आधा कप चावलों के लिए आधा कप ही पानी इसमें शामिल किया है। पानी बराबर का शामिल करना है। अगर 1 कप चावल लेंगे तो 1 कप पानी शामिल करेंगे। मैंने आधा कप लिया है, इसलिए मैं आधा कप पानी शामिल किया है इस पर। अब इस बैटर को हम छान लेंगे। मैंने इसको आटे की छन्नी में छाना है। पानी अलग कर लिया है मैंने इसका, और ये मोटे चावल छन्नी में अलग हो गए हैं। इन चावलों को आप फेंकने नहीं सवाल करें। आप इससे चावल की रोटी भी बना सकते हैं। छानने के बाद जो पानी हमने अलग किया है, हम इससे चावल के पापड़ बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने उल्टे चमचे पर अपनी उंगली फेरी है तो पानी आपस में मिल नहीं रहा। इतनी इसकी मिकदार पानी की इसमें है कि ये पानी आपस में नहीं मिल रहा। आप इसको ऐसे उंगली से चेक कर सकते हैं। इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। ये मिर्चें मैंने साबुत मिर्चों को पीस कर बनाया है, क्योंकि कुटी हुई मिर्चें अमूमन ख़राब होती हैं बाज़ार से जो लेते हैं, इसलिए मैंने साबुत मिर्चों को भी कूट कर शामिल किया है। बाज़ार की मिर्चों में अमूमन कलर शामिल होता है जिससे पापड़ों का रंग ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने घर में साबुत मिर्चों को कूट कर ये डाला है। नमक शामिल कर रही हूँ। 2 चुटकी इसमें नमक शामिल करेंगे। एक अलग पतीली में मैंने पानी उबलने के लिए रखा है। पानी उबल रहा है, इस पर मैं आटे की छन्नी रख रही हूँ। सिल्वर की प्लेट ली है। इस प्लेट पर मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो हमारे पापड़ इस पर फैलेंगे नहीं और वो एक जगह रहेंगे, तो इसलिए बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाएंगे। एक्स्ट्रा ऑयल आप कपड़े से साफ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 2 कतरे ऑयल डाला है। इससे ज़्यादा ऑयल नहीं लगाइएगा, और ऑयल हर बार नहीं लगाना है। बस आप शुरू में एक बार ऑयल लगा दें, फिर आप उसमें 4 से 5 पापड़ बना सकते हैं। बार बार ऑयल लगाने की जरूरत नहीं होगी इसमें। इस प्लेट पर मैंने अपना चावल का पानी जो है वो डाल दिया है। आप ज़्यादा पानी इसमें डालेंगे तो फिर पापड़ आपका मोटा बनेगा। अगर आप पानी कम डालेंगे तो आपका पापड़ जो है वो बिल्कुल बारीक बनेगा। अगर पानी ज़्यादा हो गया है तो आप थोड़ा कम कर लीजिए। मैंने इसको उबलते हुए पानी के ऊपर रख दिया है, छन्नी के ऊपर हमारी। अब इसको मैं ढक दूँगी और कम से कम मैं इसको 2 मिनट तक पकने दूँगी। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से ये खुश्क हो गया है। इसको हाथ से आप चेक भी कर सकते हैं, ये अब चिपक नहीं रहा है। इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको छुरी की मदद से हम निकाल लेंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैंने ये दूसरा बर्तन लिया है। ये मेरे किचन का ढक्कन है। इस पर मैं हल्का सा ऑयल लगाकर इसमें पापड़ बनने के लिए रख रही हूँ। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब बैटर डाला है। आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं डाला है, एक्स्ट्रा है तो उसको आप निकाल सकते हैं। जितना आप कम डालेंगे उतना ही बारीक पापड़ आपका बनकर आएगा।
के किनारे अलग कर लेंगे, चारों तरफ से इसको किनारे इसके अलग कर लेंगे तो ये आसानी से अलग जाएगा और फिर इसको निकाल लेंगे। इसको अब हम इसमें बिछा कर और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसी दौरान हमारा ये वाला पापड़ भी तैयार हो गया है, इसको भी हम छुरी की मदद से निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपने सारे पापड़ तैयार कर लेंगे और इनको एक प्लेट पर या एक चादर या कपड़े पर बिछा कर अलग अलग उनको सुखाएंगे। आप चाहें तो इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं और पंखे के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं। 3 से 4 घंटों में आराम से ये पापड़ सूख के तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पापड़ सूख चुके हैं और बहुत ही हल्के पापड़ बने हैं कि इसमें मेरा हाथ भी नीचे से नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही हल्के पापड़ ये सूख कर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें फ्राई कर सकते हैं हम। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, बहुत तेज ऑयल गरम नहीं कीजिएगा वरना पापड़ जाते ही जल जाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पापड़ हमारा फूल कर तैयार हो गया है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरे पापड़ कैसे लगे और आप लोगों ने कैसे बनाए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल पिज़्ज़ा फूड डायरीज़।